हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है बाबर खत्री और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने इंडियन आर्मी की फैमिलीज को मदद करना चाहते हो सो पेटीएम ने अपने ऐप के अंदर एक न्यू टैब ओपन किया है जिसका नाम है इंडियन आर्मी फॉर हेल्प। सो आप उसके ऊपर दबा के गाइस कुछ भी डोनेट कर सकते हो, 10 रुपीज़, 15, 20, 30। फिलहाल तो हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ पैसे से मदद ही कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप चाहते हो तो आप चेकआउट कर लेना पेटीएम को और कुछ भी दे सकते हो उनकी फैमिलीज को। आज का वीडियो चालू होने से पहले बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं घर में चश्मा क्यों पहन के वीडियो बना रहा हूँ। सो गॉगल मैं इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की तरफ देखते रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा ध्यान मेरे ऊपर चले आता है। सो ये देखिए, अभी मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं आपको देख रहा हूँ। सो जब मैं ऐसा देखता हूँ तो ये काफ़ी गंदा लगता है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सो इसलिए मैं ये गॉगल पहन लूँगा। तो मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ लेकिन आपको लगेगा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सो इसके लिए मैं ये वीडियो गाइस गॉगल्स पहन के बनाऊंगा, तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी गिरता है और आदमी स्मार्ट भी लगता है। जोक्स अपार्ट, तो फाइनली गाइस मेरे पास आ चुकी है सैमसंग M30 की स्पेसिफिकेशंस, लीक्स और प्राइजेस और कब वो लॉन्च होने वाला है ये भी। तो आप सभी को तो पता ही होगा गाइस, सैमसंग ने जनवरी महीने में दो फोन लॉन्च किए थे एम सीरीज के, और एम सीरीज की शुरुआत की थी, और वो दो फोन के नाम थे सैमसंग M10 और सैमसंग M20। फर्स्ट लेट मी टेल यू द डेट्स, फरवरी के एंडिंग में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में ये फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। और आप लोगों को तो पता ही है सैमसंग M10 और M20 कितना हिट फोन गया है, शाओमी तक को टक्कर दे दी है दो फोन ने। बजट सेंट्रिक फोन है और ये वाला भी एक बजट सेंट्रिक फोन होने वाला है, लेकिन ये कॉस्ट करेगा 15,000 रुपीज। IANS ने गाइस थर्सडे के दिन बोला है ऐसा दैट सैमसंग M30 के अंदर ट्रिपल रियर कैमरा लगाने वाला है और साथ में 5000mAh की बैटरी भी रखने वाला है। सो ये काफी बड़ी बैटरी है, इससे पहले एज़ुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के अंदर 5000mAh की बैटरी थी, वो भी काफी अच्छा फोन था, बजट सेंट्रिक फोन था, ये भी बजट सेंट्रिक फोन है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इस फोन में गाइस आपको मिलेगा सैमसंग का सुपर अमोलेड वी डिस्प्ले। एंड नाउ द मेन पार्ट, सबको जानना होता है प्राइस। सैमसंग M30 की गाइस प्राइस होने वाली है 15,000 रुपीज स्टार्टिंग प्राइस। और इसके अंदर दो वेरिएंट आने वाले हैं। सो एक वेरिएंट होगा गाइस 4GB RAM 64GB वाला, और दूसरा होगा 6GB RAM और 128GB स्टोरेज, या फिर 64GB स्टोरेज और समथिंग वाला, ये M30 के अंदर होगा। मुझे कमेंट में बताओ आप सभी को कौन सा वेरिएंट लेना पसंद है, 4GB वाला या 64GB वाला। एक बात तो मैं बता दूं गाइस, Xiaomi इफ यू आर वॉचिंग, सैमसंग आपको टक्कर देने वाला है बॉस, क्योंकि आपके फोन इतने कमाल के नहीं आ रहे और सैमसंग धीरे धीरे बजट सेंट्रिक में घुसे जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर Xiaomi। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। सो इस फोन के अंदर गाइस लेटेस्ट वाला प्रोसेसर होने वाला है। सो आप सोच रहे होंगे पबजी वगैरह खेलना, हाँ पबजी इसमें काफी अच्छे से आप खेल सकते हो। इसके अंदर होगा एक्सिनोस का 7904 सीरीज वाला प्रोसेसर, जो एक काफी पावरफुल प्रोसेसर है सैमसंग फोन्स के लिए। सो लेट्स सी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इस फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करने की। अब बात कर लेते हैं गाइस इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। सो इस फोन के अंदर भी आपको डिस्प्ले मिलेगा काफी बड़ा, 6.38 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो गाइस, ये मेरे फोन की है और ये 6 इंचेस का फोन है, तो आप अंदाजा लगा लो 6.38, थोड़ा सा और उधर चले जाओ इतना बड़ा डिस्प्ले होने वाला है। साथ ही साथ 5000mAh की बैटरी होगी, और इसकी जो रेजोल्यूशन है गाइस वो होगी 1080p x 2220 pixels, और ऊपर से सुपर अमोलेड डिस्प्ले, वो भी वी वाला। इतना सारा फंक्शंस देने वाला है सैमसंग इस एम सीरीज के अंदर, M30 के अंदर, देखना पड़ेगा गाइस। और ये सब रन होगा लेटेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम के ऊपर। अब मैं बता देता हूँ गाइस इस फोन का मेन पार्ट और मेरा फेवरेट पार्ट जो है कैमरा। इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने मिलेंगे, 13 megapixel का एक कैमरा होगा, दूसरा होगा 5 megapixel का और तीसरा होगा 5 megapixel का। सो दो 5 megapixel के कैमराज है, तो मैं सोच रहा हूँ इस फोन का एपर्चर लेवल भी काफी अच्छा होने वाला है। लो लाइट में आप काफी अच्छे से बोके इफेक्ट में फोटो खींच सकते हो, और फोटोग्राफी के लिए ये कैमरा बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। और इस फोन का फ्रंट कैमरा है गाइस 16 megapixel का। सो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी 16 megapixel से ही शूट हो रही है, क्योंकि मेरे फोन का भी कैमरा 16 megapixel का है। सो जैसे ही वो फोन लॉन्च हो जाएगा तो मैं आपको एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा उस फोन की और इस फोन की। सो दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो आपको भी एक नॉलेज मिल जाएगा कि सैमसंग के मेगापिक्सल्स कैसे होते हैं और ओप्पो के मेगापिक्सल्स कैसे होते हैं। सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, मेरा फोन है ओप्पो F3 प्लस,
बाप कैमरा है बॉस। सो ये सारी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस थी गाइज इस फोन के लिए जो मुझे पता चली थी और लीक हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, फरवरी 5 को जो ये दो फोन लॉन्च हुए थे M10 और M20, ये ब्लॉकबस्टर फोन गए थे गाइस Amazon पे, क्योंकि 5 मिनट्स के अंदर ही सारे स्टॉक निल हो चुके थे। सो अब देखना ये है कि M30 कैसा परफॉर्म करता है। मेरे ओपिनियन में गाइस 15,000 रुपीज में ये फोन एक अच्छा फोन है, क्योंकि इसके अंदर 5,000 mAh की बैटरी है और Exynos का 7904 वाला जो प्रोसेसर है वो गेम खेलने के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आजकल तो पबजी का ट्रेंड है। सो गेमिंग के लिए काफी अच्छा ये फोन होने वाला है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी अच्छा है। मुझे टेस्ट करना है पर्सनली, तो मुझे कैमरा ही टेस्ट करना है, बाकी तो मैं देखूंगा। और 6.38 इंचेस की इसके अंदर बड़ी स्क्रीन है। सो ओवरऑल ये एक पावर पैक धमाका है सैमसंग के लिए। सो लेट्स सी एंड वेट ये फोन कब लॉन्च होने वाला है, लेकिन ये होगा तो फरवरी के एंडिंग में ही मेरे हिसाब से। और सैमसंग बताओ कभी होने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस क्या आप ये फोन लेना चाहोगे, आपको इस फोन की स्पेसिफिकेशन अच्छी लगी या नहीं। सो तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ, और ये शूट कर रहा हूँ मैं मेरे ट्राइपॉड में जिसका वीडियो मैंने कल बनाया था। सो जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा नहीं है यहाँ जाके देख लो, यहाँ। और मैं डेली वीडियोस लेके आने वाला हूँ, अभी तो काफी सारे वीडियोस लेके आऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था मुझे टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाने। सो व्लॉगिंग मुझे पसंद है, टेक्नोलॉजी आपको पसंद है, सो दोनों भी खुश, मैं भी आप भी। सो दोनों के लिए काफी सारे वीडियोस लेके आऊंगा। और मेरा जो सब्सक्राइबर्स गोल है गाइस वो 10,000 का है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नीचे ये लोगो बना होगा कोने में, इसे भी दबा के सब्सक्राइब कर लो, या फिर नीचे रेड है उसको भी दबा के और घंटी भी दबा दो, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूं सो जल्दी से आप उसे देख लो। और जो कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा गाइस, तो क्यों नहीं करते हो कमेंट। कल ही मिलूंगा आपको। सो फिर तब तक के लिए बाय।